वेलकम गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। सो अब तक मेरे बच्चों जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो कन्वेंशनल तरीके से आप देखते थे, पर्टिकुलर्स अमाउंट फॉर्मेट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको बोला जाता था कि सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे डेबिट साइड पर, लाइक सैलरीज, बैड डेट्स, डिप्रिसिएशन एंड व्हाट नॉट। अब मेरा बच्चों इसमें भी हम वर्टिकल एनालिसिस देख रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L, वेल फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L इज प्रेस्क्राइब्ड इन पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो ये हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है कि बैलेंस शीट एज पर पार्ट 1 बनती है एंड प्रॉफिट एंड लॉस एज पर पार्ट 2। सो कैसे देखते हैं, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेसिकली नेट सेल्स को कहते हैं। सपोज मेरा ये पेंस का बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल, तो पेन के बिजनेस करते हुए जो मुझे प्रॉफिट होगा या जो सेल्स अमाउंट होगा आई शुड से नेट सेल्स, वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली। अब हो सकता है अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी मुझे कुछ पैसे मिल रहे हो, लाइक कहीं से इंटरेस्ट आ रहा हो, कोई और मैंने कोई असेट बेची हो वहाँ से कोई फ़ायदा आ जाए, उसको हम बोलते हैं अदर इनकम। सो आप दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा टोटल रेवेन्यू। और जब आप हॉरिजॉन्टल P&L बनाते थे 11th में, तब भी ऐसा होता था, याद करिए, बाय GP लिखते थे आप, अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता था उसी में कमीशन रिसीव्ड वगैरह भी ऐड कर लेते थे, तो टोटल लेके ही फिर आप नेट प्रॉफिट निकालते थे। सेम यहाँ पर भी कर रहे हैं। अब आ जाते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस को एक पर्टिकुलर तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सो इट विल हैव कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फिनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। और ये सारे क्या हैं अभी बताएंगे आपको। तो आप बताइए, आपको नहीं लगता आपकी टोटल रेवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंस माइनस करोगे तो बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स भी माइनस कर दोगे तो बचेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। कुछ नंबर्स का इस्तेमाल करें। सपोज 10,000 की सेल करिए, 2,000 का कैसे इंटरेस्ट मिला, 12,000 नंबर थी। टोटल ये सारे खर्चे मिला के हुए 7,000, तो हो गया 5,000 विच इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सपोज 1,000 का टैक्स लग गया, गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स ले लिया, तो अब कितने बचे, 4,000। दिस इज द लास्ट प्रॉफिट और लॉस, 5 माइनस 6। आगे बढ़ते हैं गाइस। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता क्या है? वेल इट मींस रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटीज कैरियड ऑन बाय द कंपनी टू अर्न प्रॉफिट। इट इज ऑल्सो नोन एज नेट सेल्स, दैट इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अदर इनकम, वेल अदर इनकम मीन्स इनकम अर्न बाई कंपनी फ्रॉम इट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक्सेस प्रोविजन रिटन बैक, बैड डेट्स रिकवर्ड, इंटरेस्ट और डिविडेंड्स अर्न। यहाँ पर एक नोट है जो आगे आपको काम आएगा, स्पेशली कैश फ्लो चैप्टर करते हुए, वो नोट पढ़ते हैं। इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनीज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिंस इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बेसिकली ये आपका एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आई शुड से वो माना जाएगा, क्योंकि फाइनेंस कंपनीज का काम ही यही होता है बेटा, इंटरेस्ट वगैरह पर पैसे देना। अब आते हैं एक्सपेंसेस। तो पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इट मींस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज नॉर्मल फॉर्मूला जो 11th में करते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इट मीन्स गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग, बिकॉज बेसिकली दो टाइप के काम होते हैं, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग होता है खुद बना के बेचना, ट्रेडिंग होता है बना बनाया लेके बेचना। लाइक मोबाइल फोन है, ट्रेडिंग का बिजनेस है मेरा, मैं कंपनी से लेता हूँ मोबाइल और आगे बेच देता हूँ, दैट्स ट्रेडिंग। तो वो ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है डेटा। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी परचेजेस पेपर फॉर रीसेल, इट इज शोन एज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लाइक ट्रेडिंग, बट इफ इट इज परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉपीज देन इट विल बी शोड अंडर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग वो माना जाएगा एक्टिविटी। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस इन स्टॉक इन ट्रेड। एंड दिस आइटम इज पॉजिटिव जब ओपनिंग क्लोजिंग से ज्यादा हो, एंड नेगेटिव जब ओपनिंग इज लेस देन क्लोजिंग। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, इट मीन्स पेमेंट्स मेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज, फॉर एग्जाम्पल वेजेस, सैलरीज, बोनस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। इट कुड फर्दर बी डिवाइडेड एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर शॉर्ट में मेरे को बोलना हो तो याद रखें, डायरेक्ट एक्सपेंस वो जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे लाइक वेजेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो P&L में आते थे लाइक सैलरीज। फाइनेंस कॉस्ट, इट मीन्स कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी ऑन बोरिंग्स, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। एक एक करके बताता हूँ। सपोज कंपनी ने 10 लाख रुपीज़ का लोन लिया, उस पर 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो फाइनेंस कॉस्ट है।
सपोज 100 रुपये का डिबेंचर है, डिबेंचर हम पहले बता चुके हैं आपको, कंपनी जब लोन लेती है पब्लिक से तो सपोज 100 रुपये का डिबेंचर है और कंपनी ने 90 पे इशू करा है, इसका मतलब है कंपनी पब्लिक से 90 लेगी और बदले में बाद में उसको सपोज 100 रुपये वापस करेगी अगर रिडीमेबल एट पार है तो वो 10 रुपये भी आपका एक्सपेंस माना जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट माना जाएगा। एक और होता है विच इज़ पेबल ऑन रिडम्पशन प्रीमियम, इसमें क्या होता है सपोज 100 रुपये का डिबेंचर है, कंपनी कहती है कि हम आपको वापस 110 रुपये करेंगे या 115 रुपये करेंगे यानी प्रीमियम के साथ वापस करेंगे, तो वो भी आपकी फाइनेंस कॉस्ट ही मानी जाएगी। इसके बाद है डेप्रिसिएशन एंड एमर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके पहले एक नोट, बैंक चार्जेस जो है वो अदर एक्सपेंस मानेंगे, उसको फाइनेंस कॉस्ट नहीं कहते एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको नहीं मानते। अब है डेप्रिसिएशन एंड एमर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, सो डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू इट्स यूसेज और रिफ्लेक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस, सेम डेफिनेशन आपने पहले भी करी थी बेटा 11th क्लास के अंदर। इसके बाद है एमर्टाइजेशन, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट रिटर्न ऑफ ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इसका मतलब क्या है, सपोज मैंने एक पेटेंट करवाया, पेटेंट आपको पता है ना वो है कि फिर मेरे अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को, तो सपोज पेटेंट लाइफ है 6 साल की, अब 1 साल निकल गया 2 साल निकल गया तो वो उसकी वैल्यू भी तो कम होती चली जाएगी ना, उसी को बोलते हैं एमर्टाइजेशन। अदर एक्सपेंस, इट मे बी शोन एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फॉर एग्जाम्पल कैरिज इनवर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड कैरिज आउटवर्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो आप 11th में भी करते थे। सो बेसिकली दिस इज हाउ यू नो वन कैन शो द स्टेटमेंट ऑफ PNL। इसके बाद मेरा बच्चा, पहले तो मैं इन सभी पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, उनको अच्छे से देखें, कोई भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप करके आप डाउट्स पे क्लियर कीजिए, नॉर्मल क्लास में तो आप पूछेंगे, और मैं आपको कुछ बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस भी इसमें अटैच कर दूंगा इस वीडियो में जो 11th में हमने किए हुए हैं, तो वो आप एक बार ज़रूर देखें। और इसी के साथ ये चैप्टर अब आपका समाप्त हो जाता है बच्चों।